नमस्कार, जसप्रीत बुमराह, एक ऐसा नाम जिसको आपने अधिकतर गेंदबाजी करते हुए देखा होगा। जहां अपनी गेंदबाजी से वो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को पस्त करते हुए नजर आते हैं, उनकी यॉर्कर गेंद को खेलना सबके बस की बात नहीं होती। बाउंसर तो ऐसे फेंकते हैं जिसका किसी बल्लेबाज के पास जवाब ही नहीं होता। स्लोअर गेंद पर तो वो हर बार बल्लेबाज को चकमा दे जाते हैं। लेकिन अगर वही जसप्रीत बुमराह आपको बल्ले से कमाल करते हुए दिखाई दे तो निश्चित ही आप उनकी बल्लेबाजी के फैन हो जाएंगे। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली पारी में बुमराह ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया कि अब महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करने में जुटे हैं। इसके अलावा भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी कौशल को देखकर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। और ये सभी खिलाड़ी बुमराह के दीवाने हो भी क्यों ना, उन्होंने 10वें नंबर पर आकर ऐसी कमाल की बल्लेबाजी की जिसके दीवाने हर क्रिकेट प्रेमी होंगे। दरअसल बुमराह ने नंबर 10 पर उतरकर 34 गेंदों में शानदार 28 रन बनाए। बुमराह ने अपनी पारी में 3 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा। बुमराह के इस छक्के के तो सचिन तेंदुलकर भी मुरीद हो गए। बुमराह की बल्लेबाजी ने सचिन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस खिलाड़ी के लिए खास ट्वीट कर डाला। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा, उछलने बल्लेबाजों की ओर से बनाए गए अहम रनों की वजह से टीम इंडिया को बड़ी बढ़त मिली। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इंग्लैंड इसका कैसे जवाब देता है। वैसे जसप्रीत बुमराह ने आज अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा शॉट खेला। बता दें, जसप्रीत बुमराह के जिस शॉट की बात सचिन तेंदुलकर कर रही है वो उन्होंने तेज गेंदबाज सैम करन की गेंद पर लगाया था। दरअसल सैम करन ने जसप्रीत बुमराह को शॉर्ट गेंद फेंकी जिस पर बुमराह ने पुल शॉट खेल गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास भेज दिया। बुमराह का एक छक्का तकरीबन 80 मीटर का था। इस छक्के को देख सभी दंग रह गए क्योंकि बुमराह अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और छक्का जड़ा वो टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हुआ। भारत के आखिरी 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 48 रन जोड़े, जिनमें शमी ने 13, बुमराह ने 28 और सिराज ने नाबाद 7 रन बनाए, जिनकी वजह से भारत पहली पारी में 278 रन बनाने में कामयाब रहा और इंग्लैंड से 95 रन की बढ़त बना ली गई।